हमजा की मासूमियत पर न जाए और कैश्यू नट हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मजे में होंगे। और भाई लेट हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, सुबह 10 बजे का टाइम है और मैं निकल रहा हूँ जाने मन तो मॉन्स्टर गई हुई है। गाड़ी में बैठ के बताता हूँ क्या सीन। अच्छा जी, तो ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम लिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है 10 बजे और आज शाम को मेरी बर्थडे भी है, प्री बर्थडे आपने कल देख ली, और रात को सारे इंतजाम भी देखने हैं। मैं सुबह 7 बजे सोया एडिट करके, व्लॉग पोस्ट करके, और अभी पर मुझे 10 बजे उठना पड़ गया। खैर, क्योंकि मुझे एक काम है, आपको पैनोरामिक रूप के भी थोड़े चश्के दिखाते हैं। पैनोरामिक रूप को ले हमारा दोस्त है, समझ गया ना, उसके साथ दिखाए हैं, देखे पैनोरामिक क्या होता है। पैनोरामिक ये जरा आप बाहर भी फ्रेश एयर ले सकते हैं। नहीं, पैनोरामिक इसको नहीं कहते, पैनोरामिक होता है देख, जैसे अभी ये यानी कि तुझे एक अच्छा प्लेजेंट वेदर लग रहा है, तो पता नहीं होता तो नहीं बोलते यार। अभी वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं, छोड़े आगे फिर आपने सारे सीन दिखाते हैं, वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको जिस ऑफिस में। अच्छा जी, जिस ऑफिस में आए थे तो वहाँ पे मुझे भी थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा मिठल को हमारे कमजोरी हुई है, थोड़े जूस वूस पिला दे। मैं रेड अनार पी रहा हूँ, तू कौन सा पी रहा है? कॉफी जूस। ये कॉफी मिक्स विद एप्पल। खैर, अभी यहाँ से निकलेंगे, नाश्ता करना है ब्रो, मेरा दोस्त आया भाई, यार समझा करो, नाश्ता कराते हैं कहीं अच्छी जगह से। देसी करना है? और फिर वापस से ऑफिस होके फिर घर जाके थोड़े से इंतजाम देगा और सो जाऊंगा, ताकि भाई बर्थडे बॉय रात को फ्रेश उठना है ना, जेना बर्थडे बॉय बर्थडे पे इस तरह कर रहा। अच्छा जी, अभी हम लोग हैं मॉल रोड पे और जूस लिया, जूस के बाद अभी मिठल साहब को कुछ खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर है रेस्टोरेंट, क्या नाम है? पैराडाइज। बड़ा मशहूर है, अभी जाके दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने कर रही है पार्क अपनी इधर, और ये सारा मॉल रोड है, तो अभी पीछे से घूम के जाने, देखते हैं क्या चीज़ है। बड़ा सुना मैंने भी, बड़ा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, डिफरेंट यूनिक किस्म का। और फिर उसके बाद मेरी मीटिंग है, वो करेंगे घर जाएंगे। अभी खाना तो दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं, कैसा फर्स्ट है अभी। अच्छा, ढूंढते आए, पुरानी बिल्डिंग है ये पैराडाइज रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, अभी जाके देखते हैं। अंदर तो इस तरह का लग रहा है, मिठल जैसा लग रहा है अंदर से, तो नाम बड़ा सुना था, अंदर से ऐसा लग रहा है। आपकी स्पेशलिटी क्या भाई, बताएं जरा। वालेकुम सलाम। उसमें क्या क्या होते हैं? बादाम, काजू, किशमिश, अंडा। और ये बादाम, काजू, किशमिश, अंडा, उसके अंदर स्टफ किया होता है, तो मैंने कहा ले भाई, इस तरह की चीजें तो मुझे वैसे बड़ी पसंद है, लाए भाई मुर्गी मुसल्लम। छपाके छपाके करता हुआ मुर्गी मुसल्लम आया, ये देखें जी, ये है मुर्गी मुसल्लम, इसमें मुझे अंडा अभी से यहाँ से नजर आ रहा है। एक मिठल अंडा कहाँ घुसा हुआ, और इसके अंदर एक कोटिंग है, स्टफ्ड है, कोटिंग नहीं, स्टफ्ड है, और इसके अंदर किशमिश और बादाम भी है, काजू। अरे मेरा फुल मुर्ग मुसल्लम सुना था आज का, वही वाकई अंदर स्टफिंग है, देखा बोल रहे। ये देखें जी, ये देखें अंदर किशमिश और बादाम और कैश्यू नट। ओह, चलें अब खा लेते हैं। Nice. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खा लिया, बहुत हैवी था। देखिए हमने मुर्ग मुसल्लम सुने, कहते थे मुर्ग मुसल्लम बड़े, आज मुर्ग मुसल्लम खा लिया, हालांकि बहुत हैवी था, पैक ही करवा लिया ज्यादा, लेकिन अच्छा था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तू की क्या निक भाई है, सॉरी सॉरी, मंकी मंकी लग रहा था। ये देख, हाय हाय, एनक भी कह रही है
क्या बात है ब्रदर, अब फर्क क्या है, मुझे आप जो मर्जी समझे, लेकिन जब मैं मलेशिया में था ना तो ईरानी आता था, वो मेरे से पर्शियन बोलना शुरू कर देता था। मैं कहता यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू, फिर मैंने कहा भाई मैं और कौन सी बोलता, फिर फ्रेंच आ गया, वो क्या वो मेरे से फ्रेंच बोलना शुरू हो गया। मैं क्या भाई मैं फ्रेंच पता ना पश्तो बोल दे उनको जो तुझे फ्रेंच लग रही और प्रीटी से चलो ठीक है नो प्रॉब्लम आई मारो वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लग रही जब मैं पाकिस्तान आ गया लोग मेरे से पश्तो बोलना शुरू हो गए यार, ये इस चीज की मुझे पश्तो पता क्यों बोलना शुरू हो गया, वो आपको समझ आ गई होगी मीटिंग होगी हमारी गवर्नमेंट ऑफिस बस होप फॉर द बेस्ट, और अभी यहाँ से निकलेंगे, सोया नहीं हुआ, रात को बर्थडे पार्टी है, माशाल्लाह ऐसे है, हमें 2 घंटे इंतजार करवा दिए, वो मीटिंग जो मैं प्रोटोकॉल में ऐसे जाता था ऐसे निकलता था, जहाँ से जहाँ मीटिंग करनी थी वो आगे मीटिंग में मसरूफ थे, ऐसे करमाले आए ने 2 घंटे इंतजार कराता ने क्यों हिला डाला ना यार, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मीटिंग मेरी स्पेशल करी थी साथ में, 2 घंटे इंतजार करना, मीटिंग में मैं मेरा सर ना गाद दही होगी अब सुबह से सर के, चलो जी चलते हैं, बहुत आज थक गए, लेट हो गए घर जाके भी अरेंजमेंट देखने, और मैंने 1 घंटा सोना भी क्योंकि रात को मैंने शुगर लगाना, मैं कैमरा बंद कर रहा हूं। अच्छा ऑलमोस्ट 60% जो सेटअप है वो लग गया, लाइट्स भी फेरी लग रही है, अभी ऊपर भी लगनी है, फाइनल लुक अभी दिखाता हूँ, बलून्स वगैरह बैक केक बैकड्रॉप बंद है वो सारा दिखाता हूँ, अभी भाई भी चेंज कर ले क्योंकि टाइम 7:15 हो गए, बाल भी बनवाने जाना है, केक भी पिक करना है, और अभी निकलता हूँ, अब जब फाइनल ये लुक रेडी होती है ना सब चीजें आती हैं, फिर आपको डिटेल इसका मैं दिखाऊं। अच्छा जी चेंज वेंज कर लिया माशाल्लाह, ये देखें कितना मजे का लगा, अभी प्रॉपर डिटेल दिखाऊंगा, ये कवाल का सेटअप है, अभी सेटअप हो रहा है, उधर खाना भी लग रहा है, मैं लेट हो गया, मैंने बाल बनाने और केक पकड़ना, आके प्रॉपर दिखाता हूं। A few moments later. सलून पे तो मैं आ गया बाल बनवाने के लिए, रविश जो मेरे आपने देखा होगा हमेशा करता है, इन्होंने बड़ा बाहर पहले मेरे बाल बनते थे, भाई व्लॉगिंग का ये फायदा स्पेशल रूम में लेके आगे यू नो यहाँ पे हम VIP तरीके से बाल बनाने शुरू कर, लेट हो रहा हूँ और रवि शहर मजाक कर रहा हूँ, ये वैसे ही मुझे बड़ा प्रोटोकॉल और प्यार करते हैं, चले अब बाल बनवा कर, तो जी टेंट अड़ा है, फाइनल लुक होगी भाई की रेडी, भाई दुनिया में इस बंदे के अलावा भाई के बाल कोई नहीं बना सकता, तो ठीक है बहुत जल्दी अपने ना अपॉइंट कर लेना, रोज सुबह अच्छी चीज करवा के निकलना, लेकिन वैसे मैं खुद भी सही बना लेता हूँ रमेश, या मैं खुद अच्छा बनाता हूँ या ये बना सकता है, लेकिन मजे की हो गया, मैं शीशे में दिखाता हूँ कैसे बना। अच्छा जी केक बनवा लिया, उसके साथ ही बिल्कुल केक का ऑर्डर दिया हुआ था जो कि ले लिया, बड़ा अच्छा लग रहा वो केक, अब उसी टाइम ही दिखाऊंगा, रखवा लूं भाई आप पिछली सीट पे रख दें, और कैसे लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, आ जाएगा जी, वैसे मुझे आ गया, वैसे मैं सोचा था मॉन्स्टर पे आता लेकिन आ गया इस पे भी आ गया, चले थैंक यू यार जी, तो घर आ गए हैं, अब हो गया है सेटअप रेडी, और जो कि बहुत ही मजे का लग रहा है, अब आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें ये बैकड्रॉप बना है, आगे मेरे नेम फॉन्ट्स कितने मजे के लग रहे हैं, यहाँ पे कवाली का हमने सोचा हुआ है, ठीक है ये सारी हम लोग नीचे बैठ के सारे, ये बड़ों के लिए जगह रखी हुई है, इधर से ये सारा व्यू आ रहा है, ये देखें ये जी, तो भाई आपका हो गया है रेडी, और ये है फुल लुक और ये है फुल बैकग्राउंड, अभी खाना खाएंगे उसके बाद कवाली होगी, नहीं पहले केक कट करेंगे फिर खाना खाएंगे फिर कवाली होगी, और व्लॉग आपने देखना है क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके हैं, हमें भी आ गई है बड़े, कल क्यों नहीं व्लॉग, कल मेरी तबीयत थी लोगों को बड़े मूड से लाना पड़ता है, उनके बड़े टेंटरम से क्या तुमने क्या ये ये कभी हो सकता है कि हमदा के बर्थडे हो और मैं वो तो है व्लॉग में आप बड़ी अपनी मर्जी से आते हैं, जितना लोग आपको प्रेस करते हैं उतना आप सब अपनी मर्जी से आते हैं व्लॉग, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं मैं आई, तो आज भी खराब है लेकिन हमजा तो कैसा सेटअप बर्थडे बॉय ने सारा सेटअप खुद एक पांव पे खड़े होंगे किया, जब ये छोटा सा था तो सब कुछ मैं करती थी, अब ये बड़ा हो गया है, वाह अम्मी को तो करना चाहिए सब, बातें आ गई अम्मी को करनी, बातें आ गई, बल्कि हमारे लिए भी अब इसीलिए करना है सब कुछ, तो फिर इसको ये अकेला करना ही नहीं चाहता, मजे का हो गया ना, तुम हर दफा की जा रहे हैं, कितना मेरी चीज मेरे थी मेरे को सीखा मैंने, मामी हमारी आज तो मामी भी नहीं पकड़ी, आज तो मामी नहीं,
तो तुम लोग पकड़ना, मामी भी नहीं आज तो पकड़ी जा रही है। मेरे बेटे की बर्थडे है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा नहीं मामी, आप लोगों से कंफ्यूज नहीं हो रही मामी, जितने इर्द गिर्द के लोग बैठे हैं ना इनसे कंफ्यूज हो रही। चलो केक काटते हैं, उसके बाद फिर खाना शुरू करवाता हूँ। बेचारे कवाल कब से खाना शुरू करवा लेगा। जी अम्मी आ गया, भटूरे ये बारबेक्यू का सामान सारा लगना शुरू हो गया, ठीक है जी, इस तरह बांधने देते हैं। और ये सारे सैलेड्स रायता वगैरह सब लगना शुरू हो गया, मजे मजे का टेम्पटिंग फूड है। चलो अभी केक ले चलो भी आ जाओ, कैसे राम बॉयज आ जाओ, भाई 50 के पास पास है तो 40 प्लस कह रहा है। साहब का आज स्पेशल परफॉर्मेंस है, कवाल खैर कवालों में बेचारे बाहर बैठे हैं, मुझे तो अंदर ले ना, कवाल अंदर आ गया इस खाली इससे कहा नहीं, खाली कवाल आ गए, कवाल तो मोस आ गए नहीं, खाली इससे कहा नहीं चले, अरे बड़ी प्रेम करा रहे प्रेम करा गया। हैप्पी बर्थडे सर वो तेरा अपना बोलिया ऐसा भी बैठ जाके जी खिजदार ने पूछा बैल में नाम में कसम से जेन्युइन तो चुकी ये खिजर की तरह से जी सबसे एक्सक्लूसिव मामी सबसे पहले मैं खिलाऊंगा अपने बब्बर शेर को, अपने भाई को, मैं खुआऊ मैं ये सब कैसा मैं गुआ अबे अभी चल हाउस ऑन हो गया है फुल ऑन। बर्थडे बॉय ने भी पूछ लो किसने खाना खाया, सबको अपनी अपनी बढ़ गई है, मुझे तो पूछो यार। ये देखे इसको जरा, किसी ने मलाई बोटी कबाब ही लोसा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हो गया, सभी बाजी सीधी कर दी। अब कवाली का हमने इंतजाम किया हुआ था तो कवाली स्टार्ट होने लगी। माशाल्लाह सब सही है लेकिन तालियां काटने बटन बाद में अजीब कह रही बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल।
कर बैठी है। अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली 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 मौला अली
Nana, 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 N
कवाली वाले होंगे, कवाली मजे की थी यार, बहुत मजा, बहुत शुक्र लगा। अब हम लोग थोड़ी गेम्स खेलने लगे हैं, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं हम लोग फिलहाल। मैं, हनी, आमिर, कैसर और खेजर है, बाद में फैमिली के साथ भी खेलेंगे, पहले ये वाला करते हैं। ले लिया कुड़ी ने दिल सादा, हमें थोड़ा सा फजानी आ गदाया, तो तुम्हारी लंबी नहीं रखी है मुटिया, मैं हट के बाबा नहीं हो देखा पराका, फिक्र है तो आगे दी बोलो, चल यार कर सीरियस इधर से गिरी फाड़ी ओए, चल सन तेरा ओ बाप ओ बाप ओ सन तेरा ओ बाप ओ बाप, यार बोले दो नहीं रुकना, नहीं रुकना, और की कर तू भी नहीं रुकना, रुक रहा है परेशान हो गया हम सबको, पहले बाहर होया पंताली था। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत बहुत एक्सट्रीम एंजॉय किया, जैसे कि आपने देखा म्यूजिकल चेयर हुई, मैंने खुद ही विड्रॉ कर दिया क्योंकि मेरा कजन बड़ा रोंदी है, वो भी आएगा उसको दिखा देंगे, ठीक है। एंड पे मैं और वो ही रह गए थे, तो एंड तक किसी लड़ते रह जाने से फैसला नहीं होना सी, क्योंकि एज भी था मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खत्म मैच शुरू हो गया, मैच शुरू हो गया था हमारा, टेस्ट मैच शुरू हो गया था, खैर लेकिन कवाली होगी, शुक्र हो गया, अब ताकत हो रहा सारा, बड़ा एक्सट्रीम, बहुत मजा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये व्लॉग तो वाकई बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्यों क्या सर, पर ये व्लॉग वाकई बड़ा वायरल जाना चाहिए, तो उस पर अपने प्यार का लेवल भरपूर दिखाएं, क्योंकि भाई की बर्थडे थी यार, और लाइक कमेंट शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें व्लॉग, इंशाल्लाह आगे मजीद आते रहेंगे, आपका प्यार बढ़ता रहा तो व्लॉग भी मजीद मजीद अच्छे और बड़े होते जाएंगे। अभी के लिए इजाजत दें, इतना थक गया हूँ कि जुबान भी लड़खड़ा रही है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।